नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है जी ऑटिज़म के बारे में। और हम ऑटिज़म के बारे में हम वैसे नहीं बता रहे क्योंकि स्पेशल एजुकेशन में सबने डिप्लोमा किया है, बीएड किया हुआ है, तो सब लोग जानते ही हैं। लेकिन मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से पूरा डिस्क्राइब करूँगा। और प्लीज़ इसको पूरा वीडियो को पूरा देखिए, कुछ क्वेश्चन हैं इसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा क्या है, और आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ये स्पेशल एजुकेशन की टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए हम करते हैं। पहला क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे, स्वलीनता से ग्रसित व्यक्ति की मुख्य समस्या क्या होती है। ऑटिज़म से जो ग्रसित होते हैं, उनकी क्या क्या समस्याएँ होती हैं। स्वलीनता से ग्रसित व्यक्ति की सबसे मुख्य समस्या होती है भाषा एवं सामाजिक समायोजन, जो उनको जीवन जीने में बाधक बनती है तथा वे इनसे सामान्य रूप से सात्मीकरण स्थापित नहीं कर पाते हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको, ऑटिज़म जो बच्चा होता है उसको एक सोशल प्रॉब्लम होती है, वो लोगों से कम जुल पाता है, वो अपने आप में ज़्यादा मगन रहता है, उसकी दुनिया एक अलग होती है उसके लिए, वो किसी से ना मिलेगा ना जुलेगा, कम्युनिकेट करने में उसको प्रॉब्लम आती है, सोशल होने में उसको प्रॉब्लम आती है, और वो अपने आप को समायोजन भी नहीं कर पाता है, इसलिए उसको लाइफ स्टाइल में थोड़ी सी उसको प्रॉब्लम आती है। लेकिन हाँ, एक स्पेशल एजुकेटर के माध्यम से, कुछ थेरेपीज के माध्यम से हम उन बच्चों को समाज की मुख्य धारा से हम बच्चों को जोड़ सकते हैं। तो ग्रसित व्यक्ति समस्याएं यही होती हैं। और नेक्स्ट है हमारा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा हम क्वेश्चन के माध्यम से ही देख रहे हैं, दूसरा इसमें दिया है स्वलीनता किस व्यक्ति के व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है, यानी कि ऑटिज़म किसी व्यक्ति के व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। तो इसमें दिया है, भाषाई एवं सामाजिक समस्याओं के साथ साथ स्वलीनता से ग्रसित व्यक्ति को परिवार, अभिभावक व अन्य व्यक्तियों से अधिक सक्रियता व अनियमित व्यवहार से अलग होना पड़ता है, यानी कि व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है ऑटिज़म किसी व्यक्ति के व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। तो ऑटिज़म से जो व्यक्ति ग्रसित होता है, ऑटिज़म का प्रॉब्लम होता है जिस बच्चे को, वो बच्चा परिवार में अपने माता पिताओं के साथ बहुत ही कम मिलता जुलता रहता है और कम्युनिकेट भी कम करता है, वो अपने आप में ही मगन रहता है, जो उसको अच्छा लगेगा वो उसको देखेगा, उसी को करेगा, और बोलना स्पीच का भी प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो उनको ज़्यादा बातें करना अच्छा नहीं लगता है, तो उनके व्यवहार पर यही प्रॉब्लम होता है। कहीं पार्टियों में जा रहे हैं, कहीं पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं तो उसको कोई मतलब नहीं होता है, वो अपने आप से ही बातें करेगा, अपने आप को ही देखेगा, अपने आप से मतलब रखेगा, मम्मी कहाँ जा रही हैं, पापा किससे बात कर रहे हैं, क्या है, उससे कोई मतलब नहीं होता है, तो उसकी लाइफ स्टाइल पर प्रॉब्लम इफ़ेक्ट पड़ता है ऑटिज़म का। नेक्स्ट है, स्वलीनता से ग्रसित व्यक्ति के लिए उनका व्यवहार कितना कष्टदायी होता है। ऑटिज़म से ग्रसित जो बच्चा होता है उसके व्यवहार पर कितना कष्ट होता है, ये पूछ रहा है। स्वलीनता से ग्रसित व्यक्ति के कटु व्यवहार को नरम बनाना अत्यंत कठिन होता है, उसका जो व्यवहार होता है अग्रेसिव होता है। कुछ बच्चे होते हैं ऑटिज़म में जो अग्रेसिव होते हैं, जो कि इनको हम हाइपर एक्टिविटी बोलते हैं, और वो व्यवहारिक समस्याएं कभी कभी असामान्य एवं आक्रामक हो जाती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, है ना, हिटिंग करना प्रॉब्लम होता है उनका, है ना, किसी को भी मारते हैं, अपने आप को भी हिटिंग करते हैं और आक्रामक हो जाती है। और कुछ घटनाओं में वे स्वयं के व्यवहार से स्वयं को चोट पहुंचा लेते हैं, ये व्यवहार के जिद्दी होते हैं और इन्हें इनकी इच्छा के विपरीत मोड़ना अधिक कठिन होता है। स्वलीनता से ग्रसित जो ऑटिज़म जो बच्चा होता है उनके व्यवहार में कभी कभी बहुत ही ज़्यादा चेंजेस मिलता है, अग्रेसिव हो जाते हैं क्योंकि बिहेवियर का प्रॉब्लम होता है, और अचानक से उनको गुस्सा आने लगता है किसी की चीज़ों पर, तो उनको कंट्रोल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आता है, पेरेंट्स को भी और जो उनके साथ में काम करते हैं उनको भी प्रॉब्लम आता ही है, तो और ज़िद्दी होते हैं वो, और उनको एक तरह से नहीं मतलब ठीक किया जा सकता है, बट उनको समझना होता है उस टाइम पर कि वो गुस्सा क्यों हो रहा है, अग्रेसिव क्यों हो रहा है ना, उसी के माध्यम से हम उनको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या स्वलीनता को किसी अन्य अयोग्यता के साथ जोड़ा जा सकता है। स्वलीनता स्वयं अथवा किसी अन्य
विकासशील अयोग्यता के साथ पनप सकती है, जैसे मानसिक विकृति, अध्ययन की अयोग्यता अथवा मिर्गी इत्यादि। हम कह सकते हैं कि स्वलिंगता एक ऐसी अयोग्यता है जिसमें व्यक्ति कुंठित हो जाता है, कई विकलांगता और मानसिक विकृतता का मापदंड का सामना करना पड़ता है और व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में विकसित हो हुआ होता है। इसका कहने का मतलब ये है, क्या स्वलिंगता किसी अन्य योग्यता के साथ जोड़ा जा सकता है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम जो डिसऑर्डर है वो किसी और के साथ में भी जुड़ती है। बिल्कुल सही बात है, ऑटिज्म के साथ एसोसिएट कंडीशन कुछ कुछ जुड़ती हैं, जैसे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो दिया है ना, इसमें जो दिया हुआ है मानसिक विकृति, इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोला जाता है आज के टाइम, पहले मेंटल डैटरिंग बोला जाता है। और ऑटिज्म के साथ साथ किसी किसी बच्चे को मिर्गी भी आती है जिसको एपिलेप्सी बोला जाता है ना। और ऑटिज्म के साथ साथ कोई कोई बच्चे सीपी भी होता है जिसको मानसिक विपक्षता भी कहा जाता है, सर्वाइवल पॉलिसी भी बोलते हैं। तो इन चीज़ से ग्रसित होते हैं तो उनको, जिसको एपिलेप्सी प्रॉब्लम आता है तो उसको एसोसिएट कंडीशन उसकी बन जाती है ना। तो बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। दोस्तों मैं थोड़ा छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को पहुँचाने तक का कंटेंट। वैसे तो आप सब लोगों ने स्पेशल एजुकेशन में जो किया है वो सबने पढ़ाई है, बट नेक्स्ट है, क्या स्वलिंगता को किसी अन्य अयोग्यता के साथ जोड़ा जा सकता है? जी तो हमने पढ़ लिया अभी। नेक्स्ट है, मानसिक मंदता एवं स्वलिंगता में क्या अंतर है? ऑटिज्म एवं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, ये पूछ रहा है। तो मानसिक मंदता वाले व्यक्ति अपने गुणों को विकसित कर निखार लेते हैं, किंतु जो व्यक्ति स्वलिंग से ग्रसित हो वह बहुत मुश्किल से अपने अंदर क्रियाकलाप को विकसित कर पाते हैं, क्योंकि उनका महत्वपूर्ण अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है। स्पष्टता, उन्हें ज़्यादातर समस्या ही नज़र आती है, लोगों से आपसी संबंध बनाने व बोलने में कमी उनके अन्य क्रियाकलाप को भी प्रभावित कर देती है। यह अति आवश्यक है कि हम मानसिक मंदता व स्वलिंगता के भेद को जाने, जिससे उनका सही शिक्षण, प्रशिक्षण व उपचार हो सके। राइट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल जो बच्चा होता है वो उसके साथ में कई हद तक काम करके और उसको सोशल तो हम बना ही देते हैं, स्पेशल एजुकेटर उनके साथ काम करता है। तो अगर उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, वो सोशलाइजेशन होता है उनके अंदर, सोशल होते हैं वो, लोगों से बातचीत करते हैं, है ना। लेकिन ऑटिज्म जो बच्चा होता है वो अपने अंदर ही खोया रहता है, उसके क्रियाकलाप जो होते हैं, उनके डेली रूटीन वाले वर्क होते हैं उनको करने में भी प्रॉब्लम करते हैं वो। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं उनको हम कुछ भी काम दे देते हैं वो आसानी से करने लग जाते हैं, और ज़्यादातर समस्या नज़र आती है उनमें ऑटिज्म वाले में, क्योंकि एक तो कमांड्स फॉलो नहीं करते हैं वो, कमांड्स फॉलो नहीं करते हैं, सोशलाइजेशन नहीं होते हैं, अपना काम भी नहीं करते खुद से। और इंटेलेक्चुअल डिसेबल जो बच्चे होते हैं उनको हम खुद से काम करने के लिए बोलते हैं तो कमांड्स को भी फॉलो करते हैं। दूसरा, ऑटिज्म बच्चे में स्पीच का प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वो सोशल नहीं होते हैं, बोलना चाहते नहीं हैं, इसलिए तो उनको आपस में पहचान करके ही स्पेशल टीचर को प्रशिक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट है, क्या स्वलिनता से ग्रसित व्यक्ति की मदद की जा सकती है? हाँ बिल्कुल की जा सकती है, स्वलिनता से ग्रसित व्यक्ति का इलाज संभव है। अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि सही दिशा निर्देश मिलने पर स्वलिनता से ग्रसित व्यक्ति ने स्वयं को अपने कष्ट से उबारा है। बिल्कुल सही है, अगर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो बच्चा है उसके साथ में एक थेरेपी अच्छी तरीका से दी जाए और बच्चा भी थोड़ा सा कोऑपरेट करे, मतलब टीम वर्क मिलकर के काम करे हो एक ऑटिज्म बच्चे के साथ में, तो हम उसको बहुत आगे तक ले आ सकते हैं और उसको समाज की मुख्य धारा से हम जोड़ सकते हैं। कुछ व्यक्तियों ने जो आत्मविहोम से ग्रसित थे स्वयं को औरों से बेहतर बनाया और वे पढ़े समझे और जाने विश्व में उनके चारों तरफ क्या हो रहा है। बिल्कुल राइट, जो ऑटिज्म ग्रसित जो बच्चे हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाले एएसडी चाइल्ड हैं, कुछ बच्चे हैं जैसे कि माइल्ड कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं, उनको बहुत कुछ हम सिखा सकते हैं और वो अपने आप को भी जान लेते हैं और उनके आस पड़ोस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो मदद की जाए उनकी अच्छी तरीक़ा से, पूरी टीम मिलकर के, ओटी वाला, स्पीच वाला, फिजियोथेरेपी वाला और मतलब सारे टीचर्स मिलके, और पेरेंट्स का सबसे बड़ा योगदान होता है और समुदाय का, जो सब लोग मिलकर के हम एक बच्चे को कर सकते हैं। नेक्स्ट है,
स्वलीनता ग्रस्त व्यक्ति कैसे बेहतर सीख सकते हैं। विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों एवं विशेष रूप से बनाए गए कार्यक्रम जो कि ज़्यादा प्रभावशील होते हैं। बिल्कुल राइट बात है, विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों जो स्पेशल एजुकेशन की डिप्लोमा या स्पेशल एजुकेशन का बीएड करके आ रहे हैं, विशेष प्रोग्राम बनाते हैं, स्पेशल प्रोग्राम बना करके उनको उनके ऊपर अच्छे से काम करते हैं, वो ज़्यादा उनके लिए इफेक्टिव होता है और ज़्यादा ही प्रभावशाली होता है। उन व्यक्तियों पर जो कि स्वलीनता से ग्रसित हैं, सही दिशा निर्देश में कोई भी आत्मवो वाला व्यक्ति अच्छा पढ़ना सीख सकता है, बिल्कुल सीख सकता है। अगर हम उसको डायरेक्शन हमारी ठीक होगी बच्चे के प्रति, हम उसको अच्छे से बताएंगे, निर्देश देंगे, तो बिल्कुल वो अच्छे से कमांड्स को फॉलो कर सकता है और हम उसको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। वे चाहे तो इसे अकेले में घर पर या सामूहिक रूप से दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम जो बनाते हैं हम, आईपी बनाते हैं बच्चे का, उसको क्लिनिकल सेटअप भी बोलते हैं। अलग अलग 1-to-1 सिटिंग में हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं और उनको ग्रुप सिटिंग भी करा सकते हैं, जो कि जो दिया हुआ सामूहिक रूप से शिक्षा दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि स्वलीनता से ग्रसित अनेकों लोग सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहुत लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ऑटिज्म से ग्रसित हैं, लेकिन फिर भी उनको थेरेपी के माध्यम से, स्पेशल एजुकेशन के माध्यम से उनको उनकी लाइफ में बहुत ही चेंजेस आए हैं और अपने प्रॉपर लाइफ को अच्छी तरीके से जी भी रहे हैं। तो नेक्स्ट है, स्वलीनता से ग्रसित व्यक्ति किस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। साधारणतः अंतर्मुखी लोग उस कार्य को अच्छा अंजाम दे सकते हैं जो कि बने हुए हो तथा बारंबारता के आधार पर हो। कुछ अंतर्मुखी लोग कलाकार, पियानो वादक, चित्रकार, फर्म वर्क, ऑफिस वर्कर, कंप्यूटर ऑपरेटर, सामूहिक मजदूर एवं श्रमिक के रूप में कार्यशाला में कार्य कर सकते हैं। जो ऑटिज्म चाइल्ड होते हैं उनको हम इस तरीके की चीज़ें सिखा सकते हैं, पियानो हम बजवा सकते हैं उनको, पेंटिंग सिखा सकते हैं उनको, है ना, और वोकेशनल लेवल पे हम उनको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर, फाइल ट्रांसफरिंग करा सकते हैं, किसी ऑफिस में हम वर्क दे दें तो उसको कमांड्स फॉलो कराएं और उसको बोलें कि ये सामान उठा के वहाँ दे के आइए और ये फाइल को उन वाले सर को दे के, तो इस तरीके के हम कुछ कुछ काम उनसे करा सकते हैं। नेक्स्ट है, स्वलीनता से ग्रसित लोग फुर्सत के समय में कैसे मनोरंजन कर सकते हैं। फुर्सत के समय अंतर्मुखी लोग स्वयं को तरोताज़ा करने के लिए सामान्य लोगों के साथ जो उनके हम उम्र हो साथ कार्य कर सकते हैं। ये लोग अधिकतर संगीत, तैरना, हॉकिंग, कैंपिंग, पहेलियाँ सुलझाने, इंडोर गेम इत्यादि कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब खाली टाइम होता है, जो ऑटिज्म बच्चे का जो खाली टाइम होता है, तो उस टाइम पर कुछ और लोग जो होते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो या कम्युनिटी के मेम्बर्स हो, पहले नंबर तो समुदाय के लोगों को, सोसाइटी के लोगों को समझना चाहिए कि भाई एक ऑटिज्म बच्चा है और इसके साथ में हम कुछ काम करेंगे, कुछ अच्छा गेम खेलेंगे, तो बच्चा भी पार्टिसिपेट करता है और उसका डेवलपमेंट भी होता है। तो उसके बराबर के जो बच्चे हैं उनको भी बताना चाहिए और उनको कोऑपरेट भी करना चाहिए। तो हमको बहुत सारे गेम खिला सकते हैं, म्यूजिक हो गया, है ना, हॉकी गेम हो गया, और इंडोर आउटडोर गेम, दोनों गेम खिला सकते हैं, तो उनका भी मनोरंजन अच्छे से हो जाता है और वो खुश भी होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, नॉर्थ कैरोलिना में स्वलीनता से ग्रसित लोगों के लिए किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। नॉर्थ कैरोलिना में जो ऑटिज्म जो बच्चे होते हैं उनको किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो वहां पर जो बच्चे होते हैं उनको प्रशिक्षण तो दिया ही जाता है, उनका डायग्नोसिस पता ही है ऑटिज्म है, उनके साथ में फिर हम उपचार करते हैं, उनके साथ में काम जो कि थेरेपी वगैरह करनी हो तो वो करते हैं, लेकिन वहाँ जो सुविधाएँ दी जाती हैं, नंबर एक पब्लिक स्कूल है, ग्रीष्मकालीन आपका शिविर समूह घर में जो समर कैंप वगैरह वो चलाते हैं, सामाजिक कौशल पर जो कार्य प्रशिक्षण करते हैं, जो सोशल वर्क जो होता है उनको भी शामिल करते हैं, उनको जीवन की अन्य योजनाएं अंतर्मुख व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं। लाइफ स्किल की कुछ कुछ बहुत सारी यानी कि योजनाएँ होती हैं, प्लान्स होते हैं, इन्हें बच्चे को पार्टिसिपेट कराते हैं और उनको उसमें भी शामिल करते हैं, और बिल्कुल करना भी चाहिए, वहाँ के लोग जी करते हैं। तो नेक्स्ट, नॉर्थ कैरोलिना में उपलब्ध सेवाओं के अतिरिक्त अंतर्मुखी बच्चों के लिए अन्य किन चीज़ों की आवश्यकता महसूस की गई है। वहाँ पर जो किस चीज़ की बच्चों के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है जो हमने वहाँ फील की गई है, महसूस की गई, जो कि वो है
नंबर फर्स्ट है उचित देखभाल करना, बिल्कुल स्कूल के पहले और स्कूल के बाद देखभाल दोनों टाइम उनकी, पहले स्कूल से पहले स्कूल में आने से पहले ही बच्चे को देख लेते हैं कि भाई इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चोट तो नहीं लगी कुछ किस तरीके की, और स्कूल के बाद भी उसकी देखभाल की जाती है। ग्रीष्मकालीन योजना भी बनाई जाती है, समर कैंप वगैरह का प्रोग्राम किया जाता है ना, मनोरंजन के कार्यक्रम भी किए जाते हैं, सामूहिक आवास ग्रुप में रहने के लिए भी किया जाता है, अन्य वैकल्पिक आवासीय सुविधा वो भी की जाते हैं, पूर्वी आवश्यक प्रशिक्षण वोकेशनल एजुकेशन से पहले के कुछ कुछ स्किल्स होते हैं उनको सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट है ग्रीष्मकालीन शैक्षणिक योजना, समर कैंप के कुछ कुछ योजनाएं प्लानिंग्स बनाई जाती हैं, तो वो सब सारी चीज़ें देखी जाती हैं। नेक्स्ट है जब अंतर्मुखी बच्चा युवा हो जाता है तब उसकी क्या आवश्यकता होती है, जब एक अंतर्मुखी बच्चा होता है जो छोटा होता है फिर वो बड़ा हो जाता है, तो उसकी क्या क्या आवश्यकता होती हैं वो हमको देखनी चाहिए। तो पहला पॉइंट है वोकेशनल एजुकेशन देनी चाहिए, और रोजगार के अवसर भी हमें देने चाहिए, सामूहिक आवास की सुविधा भी देनी, छात्रावास भी देना चाहिए, देखभाल करने वाला भी होना चाहिए, अन्य वैकल्पिक आवासीय सुविधा भी, मनोरंजन के साधन भी होने चाहिए। मनोरंजन के साधन अगर नहीं होंगे तो बच्चा बोर हो जाएगा, इसलिए उनको सिंगिंग का, अगर ऑटिज्म कोई बच्चा है और उसकी स्पीच अच्छी है तो वो सिंगिंग कर सकता है, तबला बजा सकता है ना, बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं उनको वो कर सकते हैं। तो इतना ही था ऑटिज्म का आज मेरे पास में, तो आपको अच्छा लगा, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एक छोटा सा प्रयास है मेरा सिर्फ आप लोगों तक पहुंचाने का। तो थैंक यू।